उत्तराखंड के रहने वाले DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कर्मचारी निशांत अग्रवाल को पाकिस्तान को सीक्रेट जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सोमवार को नागपुर से मिलिट्री इंटेलिजेंस और UPATS की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये कर्मचारी भारत के अति महत्वपूर्ण मिसाइल ब्रह्मोस से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान और अमेरिका को दे रहा था। DRDO ने भारत रूस के ज्वाइंट वेंचर के तौर पर ब्रह्मोस को डेवलप किया। निशांत अग्रवाल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जानकारी देने का आरोप है। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ये एक्ट वैसे लोगों के खिलाफ लगता है जो देश की वैसी जानकारियों को लीक कर देते हैं जिससे देश के लिए खतरा हो सकता है। निशांत नागपुर के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में 4 साल से काम कर रहे थे। आरोपी के पास भारत की अति महत्वपूर्ण ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी सीक्रेट जानकारियों की पहुंच थी। इससे पहले रविवार रात को भी इसी टीम ने कानपुर से एक महिला को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें कि ब्रह्मोस 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 290 किलोमीटर तक के ठिकानों पर अटैक कर सकती है। ब्रह्मोस कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, इसलिए रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मसकवा नदी पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया।